क्या चल रहा है सीन के अंदर? कुछ नहीं, एक सीन है जहाँ पे मिलन निमिषा और रावल को रूम में लेकर आता है और ये लोग मिलन को समझ रहे हैं कि वो आरबी है और सारी सच्चाई उगल रहे हैं, लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि ये लोग मेरी पोल खोलना चाहते हैं और उन्हें एक रूम में लेकर आता हूँ ताकि ये मेरी सच्चाई सबके सामने ना उगले। लेकिन उतनी ही देर में निमिषा मुझे एक ऐसा इंजेक्शन मारती है जिससे मैं पूरा बेहोश हो जाता हूँ और जितने मेरे प्लान होते हैं वो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि ये आपका डुप्लीकेट का क्या चक्कर, क्या सीन चल रहा है? जैसे कि यही बताया, डुप्लीकेट के बारे में बताया मैंने, यही मतलब इसमें। और जो जैसे कि अपना असरान जी का जो वहम था, वो वहम कहाँ तक कारगर सिद्ध हुआ? क्या वहम? वहम जैसे शादी से पहले वो देख रही थी, वो दुपट्टा फट गया उसका, जैसे सिंदूर वगैरह कुछ ऐसा था ना उसका? हाँ, उससे कुछ कुछ ऐसे चीज़ें उसके साथ ऐसे हादसे हो रहे थे जो उसे लग रहा था कि अपशगुन है और शायद उसकी वजह से कुछ ना कुछ अड़चने आ सकती हैं आरवी और ईशानी की शादी में, और वैसा ही कुछ मिलन करने की कोशिश भी करता है। और क्या करता है उसमें? अब वो सब देखने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा हमारा शो, सारा सब कुछ नहीं बता सकता मैं आपको, पर हाँ ऐसी कुछ अड़चने आती हैं जिससे आरवी और ईशानी की शादी में रुकावट आ जाती है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं नवरात्रि? अभी तो बिल्कुल फुर्सत नहीं क्योंकि मैं दो दो रोल्स एक साथ कर रहा हूँ, तो कम्प्लीटली बिजी डूइंग द बोथ द रोल्स और मेरा सारा टाइम इसी में चला जा रहा है, कुछ करने का वक्त नहीं मिल रहा है। पर हाँ, मैं कोशिश करके डांडिया खेलने ज़रूर जाऊँगा। अभी आज से पहले कभी डांडिया खेला आपने? मैंने खेला नहीं है, लेकिन मैं डांडिया फेस्टिवल्स में गया हूँ, मैंने विजिट किया हुआ है और मैंने कोशिश भी की है, लेकिन आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। अगर करना चाहिए कहाँ का डांडिया करना चाहिए, जैसे मुंबई में कौन सी जगह या फिर गुजरात में? मैं मुंबई में एक दो जगह पे गया हूँ, मुझे जगहों के नाम नहीं पता, पर बोरीवली में गया हूँ, शायद कोरा केंद्र में गया हूँ और एक दो जगह और गया हूँ, लेकिन संसार में पंजाबी तो हम लोग पंजाबी फेस्टिवल ज़्यादा मनाते हैं, डांडिया इतना नहीं खेलते, पर मैं इस बार ज़रूर जाऊँगा दो तीन जगह पर। क्या कहना चाहेंगे फैंस? मैं फैंस को बस यही कहना चाहूँगा कि अपने होप्स मत तोड़िए और अगर आपको आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको मिलन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं भी आ रहा है तो आप प्लीज़ देखते रहिए, आगे बहुत सारे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, सो कीप वॉचिंग मेरी आशा की तुमसे। लव यू गाइस।